भवानी मंडी उपखंड अधिकारी को गंगापुरा के ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन, जिसमें बताया गया कि भवानी मंडी के रसोखदार अस्तोलिया परिवार ने गंगापुरा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर नींव कुर्सी कर दी है। कब्जाधारी व्यक्ति के पास सरकारी जमीन पर अपने कब्जे को लेकर कोई भी सरकारी सबूत उपलब्ध नहीं है, फिर भी हो सकता हो कि उन्होंने फर्जी तरीके से कोई दस्तावेज अब बना लिए गए हों। अतिक्रमणकर्ता द्वारा पहले भी ऐसी हरकत की जा चुकी है, लेकिन तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने गलत व फर्ज कागजात की वजह से उक्त स्थान पर निर्माण कार्य रुकवा दिया था, अतः उक्त जमीन का मौका मुआयना कर दिए जा रहे हैं। अतिक्रमण को रोका जाए तथा उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं अतिक्रमी से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो विनय अस्तोलिया ने हमारे बीपीए न्यूज़ को दिए गए बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक राजनैतिक दल से संबंध रखता हूं, जिसके चलते राजनैतिक देशता के चलते कुछ लोगों द्वारा यह मेरे ऊपर जमीन अतिक्रमण का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि मेरे पास उक्त जमीन के सभी कागजात उपलब्ध हैं। यदि मेरे विरुद्ध जो भी लोग ज्ञापन के माध्यम से मेरी भूमि को अतिक्रमण बता रहे हैं, वे उक्त भूमि के सरकारी भूमि होने का सबूत पेश करें। साथ ही इल्ज़ाम लगाने वालों पर बेवजह परेशान करने को लेकर मानहानि का दावा न्यायालय में पेश करने की भी बात कही है। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता किशोर तंवर की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम मेरा गंगपुरा खेड़ा निवासी है। हम सारे गांव वाले आए हुए हैं यहाँ से जी, और यहाँ पे भवानी मंडी वालों ने फर्जी तरीके से पट्टे बना के और कब्जा किया गया गाँव में जी। तो मेन रोड की ज़मीन है, तो आज क्या कीमत बढ़ रही है वहाँ पे, तो ये भू माफी है लोग सारे जो वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और हम प्रशासन से निवेदन करके एप्लीकेशन के लिए ज्ञापन दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 महीने होने जा रहे हैं, कल से कोई बात होगी वहाँ पे गांव में। गांव वाले मंदिर के निर्माण के हिसाब से कब्जा करना चाह रहे हैं वहाँ पे, और मंदिर निर्माण या फिर अपने धर्मशाला सार्वजनिक धर्मशाला बनाना जा रहे हैं गाँव वाले। तो गाँव वाले सभी मिलकर बना रहे हैं, और ये प्रशासन से निवेदन है कि ये पट्टे की पूरी तरह से जानकारी करके और इनको कैंसिल किया जाए। अच्छा, और मंदिर का नाम पे पट्टा दिया जाए। मंदिर के नाम पे ही है सारा वहाँ पे पहले से ही, और ये इन्होंने पुराने तरीके से पहले कब्जे किया गया था और आज ये वहाँ आ रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। तो सभी गाँव वालों ने पहले भी रोका था और फिर रोक रहे हैं, और प्रशासन को पूरी तरह अवगत करवा दिया, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और अपने पुलिस अधिकारी जी को। तो इन लोगों ने जिन्होंने कब्जा कर रखे, उन्होंने वहाँ की कोई रजिस्ट्री कागज बनवा रखे क्या? इन्होंने फर्जी तरीके से पट्टे बना रखे, हमें पता नहीं है जी। इन्होंने कुछ के पट्टे बना रखे हमने पहले से, तो पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरपंच साहब ने लिखित में दे दिया कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो रिकॉर्ड नहीं है इसके आधार पर, और ग्राम पंचायत की भूमि है। भवन मंडी वाले बाहर के कोई आएंगे तो सारे गाँव वाले कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे वहाँ पे, और पूरी कार्रवाई प्रशासन को दे रखी है हमने करने के लिए। तो प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है, और कागजों में कभी काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा जी। कर रहे हैं हमें ठीक। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? विनय अस्तोलिया। सर, आज आपके नाम से यहाँ जो है एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है गंगपुरा की किसी ज़मीन को लेकर के, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं वो ये लोग बताए, ये साबित करें कि वो ज़मीन सरकारी है जी, ये आरोप साबित करें, और इनके पास क्या क्या सबूत है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये ज़मीन सरकारी है, इसका सबूत पेश करें मुझे, ये साबित करके बताएं जी। दूसरा, ये सब आरोप बेबुनियाद है, और जो लोग इसमें शामिल हैं और बेवजह मुझे जो परेशान करने में लग रहे हैं, मैं इन सब के खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा। मेरे पास सबकी वीडियो आ चुकी है, सबके प्रूफ है कौन कौन इसमें बोल रहा है। मैं इन सबके खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा। इनके सबके आरोप बेबुनियाद है, और ये सब इसलिए बोल रहे हैं, ये सब मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, राजनीतिक पार्टी से हूँ जी, ये इसमें सब राजनीतिक व्यवस्था रख रहे हैं जी। और दूसरी बात ये आ रही है कि ये फिर बोल रहा हूँ मैं कि इनके पास क्या सबूत है, इसका मुझे सबूत ला के दे दें। और मैंने, मेरे पास इसमें सब पट्टे हैं, पंचायत द्वारा मैंने ज़मीन खरीदी है, मेरे परिवार जनों ने खरीदी है, और कुछ ज़मीन मैंने रजिस्ट्री करवाई है, दूसरों से भी ली है। मेरे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र है स्टेप बाई स्टेप, और 2010-2 में भी इन लोग कुछ गाँव के कुछ लोगों ने असामाजिक तत्व ने कह दो उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करी थी कि सब इन लोगों ने, मैंने वहाँ नींव कुर्सी कर रखी थी 1989 में, तो उसके ऊपर आरोप लगाया था कि इनने 2002 में आरोप लगाया कि साहब ज़मीन पे इनने कब्जा कर रखा है, ये
अतिक्रमण इसको हटाया जाए। जी जी, वहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए मौके पर मजिस्ट्रेट पहुँचे। प्रशासन गाँव के संग शिविर में भी कुछ लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज करी गई थी कि यहाँ कब्जा कर रखा है किसी ने। हमें प्रशासन ने मौके पर अगर हमसे कागज़ मांगे, हमने उनके सामने जो भी हमारे पास रजिस्ट्री पट्टा कागज़ पेश किया जी, हमने मौका मुआयना रिपोर्ट बनाई, सबसे साइन करवाई गाँव वालों से, हमसे सबसे और सही पाया गया जी। उसके बाद से मेरा कब्जा मेरा पिछले 30-33 साल से चला आ रहा है, मेरे परिवारजनों का मेरा जी जी। उसके बाद मेरे पास सारे कागज़ के सबूत है, जो प्रशासन चाहेगा देख लेगा जी। प्रशासन ये साबित कर दे या जो साबित कर रहे हैं कि सरकारी, पहले साबित करेगा सरकारी ज़मीन है, मैं छोड़ने के लिए तैयार। थैंक यू सर।